हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं कि इंडिया में मुसलमान बहुत डरा हुआ है, इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि इंडिया में मुसलमानों की जेनोसाइड हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं चंद क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं जहां पर दिखता है कि इंडिया के मुसलमान कितने मजलूम हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसको जितना शेयर कर सकते हैं वो शेयर करना मत भूलिएगा। आए चलिए ये वीडियोस देखते हैं। अल्लाह की शान, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजाए मौत दी जाती है इस्लाम में। नूपुर शर्मा जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मैं इसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का बाउंटी रखता हूँ। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमला करना, उन पर हमला करना, उनकी इज्जत पे हमला करना, इसका एक ही अंजाम है, वो है मौत। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सुसाइड नोट के ऊपर में साइन कर रहे हो। कमलेश तिवारी 5 साल बाद मर चुका है, 5 साल बाद मारा उसे घर में घुस के लोगों ने। तुम ये ना समझो कि आज अगर मामला हल हो गया तो कल छोड़ दिया जाएगा। उस तार को मत छेड़ो। पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, सलमे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखा दे। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नूपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नूपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। बोल पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे बुजुर्ग जलाल की, जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सलाम। मेरे बच्चों की कसम में, और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, हु विल एवर लाइक, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्ते भी निकल जाऊंगा। 1 करोड़ रुपए की मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ। अगर जो नुकुल शर्मा की जीप काट के लाएगा, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप काट, तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले। पत्रकार की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है, तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। राते गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे। अगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। गुस्ताखे नबी का सर चाहिए, गुस्ताखे नबी की एक सजा।
जैसा कि आपने देखा, ये थे इंडिया के मजलूम मुसलमान जो सरेआम खुला आपके सर कलम करने की बाउंटीज दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। तो मुझको खुद ही समझाइए कि डरे हुए इंसान ऐसे होंगे तो जो नहीं डरावा होगा तो वो क्या करेगा। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।